है दोस्तों, क्या आपके गूगल क्रोम में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? यू आर सीइंग दिस वार्निंग बिकॉज दिस साइट डज नॉट सपोर्ट HTTPS और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे गूगल क्रोम में ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह से एरर आ रहा है, द कनेक्शन टू bholekapp.in is not secure. You are seeing this warning because this site does not support HTTPS. तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार अपने गूगल क्रोम में बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन नहीं होते हैं, पर डोंट वरी गाइस, आज जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, इस सेटिंग को करने के बाद आपके गूगल क्रोम में कोई भी वेबसाइट आसानी से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ऊपर आपको तीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उन तीन डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शंस। तो इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर लीजिए। अगर आपके गूगल क्रोम में ये ऑप्शन ऑन है तो इसको ऑफ कर लीजिए। जैसे आप इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो आपके गूगल क्रोम में सभी वेबसाइट्स ओपन होंगे। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले ये वेबसाइट मेरे मोबाइल फ़ोन में ओपन नहीं हो रहा था लेकिन अब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो इस तरह आप इस सेटिंग को कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।